नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, चंद घंटे बाकी है जब महाराष्ट्र समेत देश भर के बड़े त्योहारों में शुमार गणेशोत्सव की शुरुआत होने वाली है। अभी गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त पर मूर्ति स्थापना होगी, उसके बाद में फिर घरेलू मूर्ति डेढ़ दिन का विसर्जन होगा, फिर तीन दिन, पांच दिन और इस तरह से 11 दिन बाद में संपूर्ण विसर्जन। इस साल के गणेशोत्सव में कुछ अलग हटकर है। पिछले दो साल जब 2020 और 21 में कोरोना के हिसाब से त्योहारों को बनाने के लिए पाबंदी थी, तो इस साल सुखद बात यह है कि हर तरह की पाबंदी हट चुकी है और इस साल त्योहार फिर वही पुरानी धूम से मनाया जा सकता है। साथ ही साथ इस बार त्योहार में महाराष्ट्र शासन ने उत्कृष्ट गणेश मंडल को पुरस्कार तक देने की बात कही है। उसके लिए भी गणेश मंडल बढ़ चढ़कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। महाराष्ट्र भर में जो गणेश मंडल प्रथम आएगा उसको 5 लाख, सेकंड वाले को 2.5 लाख और थर्ड आएगा उसको 1 लाख पारितोषिक दिया जाएगा। उसके अलावा 33 गणेशोत्सव गणेश मंडल को 25,000 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा महाराष्ट्र शासन की तरफ से। तो इसमें भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस बार के गणेशोत्सव में वसई विरार महानगर पालिका ने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ अलग बंदोबस्त किए हैं। जैसा कि पिछले दो सालों में बंदिश थी और कोरोना के हिसाब से बंदिश थी, कम ही लोगों को विसर्जन में जाने की परमिशन थी, काफी कुछ बंदिशें थी। उस दरमियान में वसई अंतर्गत कृत्रिम तालाबों का चलन हुआ था। इस बार वसई विरार महानगर पालिका ने अपने सभी तालाब जहां पर विसर्जन होना है वहां पर तालाब के बाहर कृत्रिम तालाब का निर्माण कराया, जो आप स्क्रीन पर वीडियो में देख सकते हैं। कुल 62 जगह है महानगर पालिका क्षेत्र में जहां पर कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। उसके बाद 21 मूर्ति संकलन केंद्र है और 18 फिरते हौज है। ये कृत्रिम तालाब बनाने के पीछे वसई विरार महानगर पालिका ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए यह आह्वान किया है लोगों से कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए। दरअसल मूर्ति विसर्जन के बाद जो प्लास्टर ऑफ पैरिस और सिंथेटिक रंग नेचुरल पानी को जो प्रदूषित करता है उससे बचाव के लिए महानगर पालिका ने यह संकल्पना इस बार लाई है और 4 फीट से छोटी मूर्ति या गर्भवती मूर्ति है उनको इन तालाबों में विसर्जित किया जाएगा। बड़ी मूर्ति के लिए बीच पर जाना होगा। साथ ही साथ वसई विरार महानगर पालिका की उपायुक्त नैना सासाने मैडम ने आज एक मॉक ड्रिल करके प्रभाग समिति ए की हद में एक मॉक ड्रिल करके लोगों में जन जागृति फैलाई कि किस तरह से ये विसर्जन होगा। तो कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका समेत पुलिस प्रशासन और पूरा प्रशासन जो है वो आगामी गणेशोत्सव को लेकर एकदम सज्ज है। लोगों में भी इस बार पिछले दो सालों की अपेक्षा इस साल उत्साह और उमंग ज्यादा है। हाल ही में भी दही हांडी गया था, वो भी बड़े उत्साह से मनाया गया था और अब ये गणेशोत्सव भी उत्साह से मनाया जाएगा, इसकी पूरी पूरी उम्मीदें हैं। तो आप स्क्रीन पे फुटेज में देख सकते हैं कि कहां कहां वसई विरार महानगर पालिका ने इन कृत्रिम तालाबों को रखा है और जिस तरह से शासन के नियम है उनको पालिए, अपना त्योहार मनाइए। हमारे चैनल की तरफ से पूरे देशवासियों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786
अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।